नमस्कार मेरे मित्रों, जय माँ शारदे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि नवरात्र में आपको पारणा किस दिन करना है और नवरात्र में अष्टमी और नवमी के दिन अगर आप पूजा करते हैं विधिवत तो आपको लाभ प्रदान होगा। तो जो भी ग्रस्त जीवन में है अगर वो इसकी पूजा करना चाहे तो वो कर सकते हैं, जो व्रत कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं, जो व्रत नहीं कर रहे हैं वो भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन ये इसकी पूजा 10 महाविद्याओं को पाने के लिए की जाती है। ये गुप्त नवरात्रि इसलिए की जाती है, ये आप लोगों को पता है, मैं पहले वीडियो में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं तंत्र मंत्र क्रियाओं को करने के लिए गुप्त नवरात्रि हम करते हैं। तो ज्यादातर इसकी पूजा वही लोग करते हैं जिनको गुप्त साधना करनी होती है। तो आज हम बताएंगे कि आप नवमी और अष्टमी में कैसे पूजा करेंगे और पूजा करते समय आज मैं आपको एक महा उपाय भी बताऊंगी जिससे आपको बहुत लाभ होगा। और आपके घर में नौकरी नहीं लग रही है या फिर किसी का विवाह संपन्न नहीं हो रहा है, मांगलिक कार्य नहीं हो रहे हैं, घर में कोई बाधा है, कोई शय बाधा ने घेर लिया है उसके लिए, और आपके घर में जैसे कि कोई लंबी बीमारी से ग्रसित है उसके लिए, मानसिक रोग से ग्रसित है, नौकरी के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए आज मैं आपको जो उपाय बताऊंगी, अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। पूर्ण रूप से अगर आप करेंगे, आप किसी भी काम को अगर करें दिल से मन से आप किसी भी काम को करते हैं तो आपको लाभ जरूर प्रदान होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर ये आप महा उपाय करेंगे तो आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा। आपको जैसे आप नियमित साधारण नवरात्र में पूजा करते हैं वैसे ही पूजा आपको गुप्त नवरात्रों में ही करनी है। गुप्त नवरात्र किस लिए कहा गया ये आपको पता है, क्योंकि इसमें गुप्त विद्याओं की पूजा की जाती है, इसमें माँ के 10 रूपों के गुप्त रूपों की पूजा की जाती है, इसलिए इसे गुप्त नवरात्र कहते हैं। लेकिन साधारण ग्रस्त जीवन वाले महिला पुरुष भी इसको कर सकते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको अष्टमी और नवमी वाले दिन कन्या पूजन करना है, आपको भोग लगाना है और सफेद पुष्पों के साथ में माला जी को, भगवान माता जी को आप माला चढ़ाएंगे, सफेद पुष्पों की माला चढ़ा करके उनको समर्पित करेंगे और शुद्ध देसी घी का दिया जलाएंगे, जैसे आप उनके पूजा करते हैं विधि वैसे ही संपन्न करेंगे, और पान लौंग इलायची का बीड़ा लगा करके उनको भोग लगाएंगे, और हलवा पूड़ी और गुड़ चना का भोग आपको जरूर लगाना है, चरणामृत और पंचामृत जरूर चढ़ाएंगे माँ को, जिससे माँ प्रसन्न होती है। जो घी होता है, घी का दिया इसलिए जलाया जाता है क्योंकि वो आपके मंदिर के वातावरण को शुद्ध करता है, इसलिए घी का दिया जरूर जलाना चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती है। तो आपको ये करना है और कन्या पूजन करना है। अगर आप कन्या पूजन करते हैं तो कर लीजिए, लेकिन अगर आप इसको गुप्त रखना चाहते हैं तो आप गुप्त रूप से भी किसी भी कन्या को जाकर के दान कर सकते हैं, चाहे आप उन्हें कपड़ा दे दीजिए, चाहे उन्हें आप कुछ पैसा दे दीजिए, जिस हिसाब से आपकी श्रद्धा हो आप कर सकते हैं। आपको हवन करना है और पारणा वाले दिन आप अष्टमी या नवमी में भी हवन करके 10वें दिन आप कलश हटा सकते हैं, आप नवमी के दिन भी कलश को हटा सकते हैं और हटा करके कलश का जो पानी होता है वो पूरे घर में आप छिड़काव करेंगे, और छिड़काव करने के बाद जो उसका बचा हुआ पानी होगा उसको आप तुलसी के पेड़ में या फिर किसी भी केले के पेड़ में, जो भी आपके घर में पेड़ हो आप उसमें समर्पित कर सकते हैं अगर आप ये करना चाहते हैं। तो इससे लाभ जरूर होगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि सारे नवरात्र के तरह ही वो नवरात्र करना है। आपको पूजा विधि सब वैसे ही करनी है और उसके बाद आपको फल फूल चढ़ाने हैं, और फल फूल चढ़ाने के बाद माता की पूजा अर्चना करनी है, आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना है, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, और आपको आरती दोनों सुबह शाम दोनों टाइम संध्याकालीन और प्रातःकालीन बेला में आपको आरती पूजन करना है। जो 9 दिन का व्रत कर रहे हैं, जो 9 दिन का व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो वो भी इसका पूजा कर सकते हैं। अगर वो 9 दिन का व्रत नहीं है तो वो अष्टमी और नवमी में भी व्रत कर सकते हैं, उनको लाभ प्रदान होगा। अब हम आते हैं उपाय की तरफ कि आपको करना क्या है। आपको तो अब हम आते हैं उपाय की तरफ कि आपको करना कुछ नहीं है। आपको जहां पर आपने माता की चौकी लगाई है आप माता की चौकी लगा करके आप वहीं पर बैठ जाइएगा, विधि पूर्वक स्नान ध्यान करके बैठिएगा, और बैठने के बाद आपको कुछ नहीं करना है,
आपको 9 दिए जलाने हैं, 9 दिए प्रज्वलित करने हैं। बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपके घर में दिया नहीं है तो आप आटे के छोटे छोटे 9 दिए बना सकते हैं, और नहीं तो आप मिट्टी के दिए का भी प्रयोग कर सकते हैं। और उन दियों में आपको जो बाती रखनी है, साधारण बाती रखनी है, चाहे आप गोल बाती रख लीजिए, चाहे आप लंबी बाती रख लीजिए, जो आपके घर में उपलब्ध हो वो बाती रख लीजिए। और उसमें तिल का तेल, चाहे शुद्ध घी, अगर शुद्ध घी रहेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही उत्तम रहेगा। तो आप शुद्ध घी अगर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं उपलब्ध है तो आप तिल के तेल का और कड़वे तेल का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको नवमी या अष्टमी के दिन जब भी आप अपनी पूजा आराधना करेंगे, इस गुप्त नवरात्रि में दोनों समय पूजा होती है, वो मैंने आपको बताया ही है। तो पूजा करने के बाद आप जब वो दीप प्रज्वलित करेंगे, और उसके साथ में आपको पंचामित्र जरूर रखना है, और उसके बाद आपको माता को सिंदूर, टीका, जो भी आप लगाते हैं, फल फूल जो भी समर्पित करते हैं, हलवा पूरी का भोग लगाने के बाद 9 दिए प्रज्वलित करेंगे। और 9 दिए प्रज्वलित करने के बाद उन 9 दियों में एक एक फूलदार लौंग आप जरूर डाल देंगे। 9 दियों में आपको लौंग डालनी है, और माता के सामने एक एक दिया रख करके आपको अपनी मनोकामनाएं कहनी है, और मनोकामना कहने के बाद आपको प्रार्थना करनी है कि हे माता रानी, मेरी जिंदगी में जो भी दुख है, संकट है, उन्हें दूर कीजिए। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपकी जीवन से सारे दुख संकट दूर हो जाएंगे, और आपके घर में सुख समृद्धि वापस लौट आएगी। जो आपके घर में मानसिक तनाव है, मैंने पहले भी बताया है, ये सब अगर आप मंत्र का जाप करेंगे तो आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा। तो अब मैं आपको मंत्र के बारे में बताऊंगी। तो हम अब मंत्र की तरफ आते हैं। आपको एक माला लेनी है, हल्दी की माला होगी तो बहुत अच्छी माला है, अगर आपकी कोई प्राण प्रतिष्ठित माला है तो बहुत ही उत्तम है, आपको करना कुछ नहीं है। आपको 9 दुए प्रज्वलित करने के बाद एक मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा। तो आप अपने मन में मनोकामना करके, अपने मन में ध्यान करते हुए, आपको माता काली का आहुति देते हुए, अर्चन करते हुए आपको बोलना है, क्रीम हीम काली हीम क्रीम स्वाहा, ऐसे करके आपको 108 माला के जाप करें, और 108 माला आपको करनी है। अगर आपने अपने किसी गुरु की सिद्धि भी ले रखी है, या गुरु मंत्र आपने अपने प्रयोग में ले रखा है, तो आप उन गुरु मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। अगर हो सके तो ये वाला उपाय अगर आप कामाख्या देवी के मंदिर में करते हैं तो आपको अत्यंत लाभ होगा, और बहुत ही शक्तिशाली महा उपाय और चमत्कारी उपाय है। अगर आप गुप्त नवरात्र में इस उपाय को अपनाते हैं तो आपको लाभ जरूर होगा, क्योंकि जब आप किसी भी गुरु की शरण में जाते हैं, जो वो आपको गुरु मंत्र देते हैं, तो वही आपका संदेशा भगवान तक पहुंचाते हैं कि आपको कैसे कार्य करना है। क्योंकि अगर आप गुरु के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उसके दुष्परिणाम देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि कभी घर में बीमारी आ जाती है, पैसों की तंगी हो जाती है, ऐसे कई प्रकार के लोग हो जाते हैं, ऐसी गंभीर बीमारियां हो जाती हैं, लंबे समय वाली बीमारियां, कि आदमी और औरत ठीक नहीं हो पाते, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं कि वो किस कारण हुआ है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि कोई भी मंत्र अगर आपने गुरु का लिया है तो उस मंत्र को निश्चित ही कीजिए, और रोजाना कीजिए। ये तो आपको गुप्त नवरात्रि में जो मंत्र मैंने बताया है वो आपको करना ही करना है। अगर आपने कोई गुरु मंत्र, गुरु दीक्षा ले रखी है तो आप वो भी करेंगे, क्योंकि गुप्त नवरात्र इन मंत्रों के लिए ही माना जाता है, गुप्त सिद्धियों के लिए ही ये नवरात्र रहा जाता है। अगर आप इसको करते हैं तो आपको सुफल लाभ होगा, अचूक लाभ होंगे, और चमत्कारी परिणाम आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर ये उपाय आप मंदिर में नहीं कर सकते हैं किसी कारणवश, तो आप अपने घर में भी ये उपाय कर सकते हैं। अष्टमी नवमी के दिन आप कभी भी ये उपाय आजमाए, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। हाँ, तो मैं बताना चाहूंगी कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले,
और जो मेरा वीडियो देख रहे हैं पहली बार, तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि उन्हें मेरे आने वाले आगामी वीडियो के बारे में जानकारी मिल सके। और अगर आप मेरे वीडियो देखते हैं तो ये नहीं है कि मेरे वीडियो आप देखेंगे तो आपको लाभ होगा, लेकिन कोई भी कार्य अगर आप ठीक मन से करेंगे तो आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा। आपका मन साफ होना चाहिए तो सारे कार्य कारगर होते हैं। मेरे कमेंट बॉक्स में लोगों ने मुझसे पूछा है कि गुप्त नवरात्रि में क्या नहीं करना चाहिए, तो मैं आज आपको वो भी बताना चाहूंगी कि जब आप चौकी रखते हैं गुप्त नवरात्रि में, तो चौकी को जैसे आप नॉर्मल नवरात्रि में हटाते हैं वैसे ही सेम करना है, इसमें भी वैसे ही हटाना है। जिस तरह से आप गुप्त नवरात्रि में चौकी रखते हैं और पारण करते हैं, उसी हिसाब से आपका अष्टमी नवमी जिस दिन भी दशमी के दिन आप जैसे करते हैं वैसे ही पारण कीजिएगा अपनी सुविधा के अनुसार। अब मैं इसमें बताती हूँ कि आपको गुप्त नवरात्रि में मांगलिक कार्य जो होते हैं वो नहीं करना है। मांगलिक कार्य में जैसे आता है मुंडन करवाना, शादी होना, या फिर कोई ऐसा कार्य होना जो इंगेजमेंट होती है, गोद भराई की रस्म होती है, ये सब हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सब करना खंडित माना जाता है। क्योंकि ये सब कार्य अगर आप करेंगे तो ये सब कार्य वर्जित माना जाता है, इससे माता रानी रुष्ट हो जाती हैं, तो इसलिए आपको ये वाले कार्य बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, मतलब मांगलिक कार्य आपको बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। और मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके वो लाइक जरूर करें और मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें, इनसे उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी अगर ऐसा करते हैं। इसी के साथ मैं अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करती हूँ। इसी के साथ नमस्कार।